हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स? अभी तक आप एडवेंट इन्फो हब को अगर सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नई नई वीडियो के अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बात करेंगे लोवाडर्म ओसी क्रीम के बारे में। हम जानेंगे इसके डोजेस के बारे में, इसके वर्क के बारे में, ये कैसे काम करता है दोस्तों, और कौन कौन से हमारे स्किन के लिए बेहतर है दोस्तों। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं बता, जैसा आप देख रहे हैं, और ये कौन कौन सी बीमारियों में आता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, ट्रेट मिक्स डर्माटाइटिस कंडीशन में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी और कौन कौन से स्किन पे लगाया जाता है, आइए जानते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, मार्केटेड इन इंडिया बाई लेबोरेट फार्मास्यूटिकल इंडिया प्राइवेट इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, और इसके अगर मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बात करें दोस्तों तो ये 71 रुपीज 50 पैसे है, और इसके इस्तेमाल करने का तारीख है दोस्तों 9/2019 तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके वर्क के बारे में, ये कैसे कैसे काम करता है, इसके डोजेज क्या होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं, अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो जैसा इसमें दिया हुआ है, ओ फ्लॉक्सासिलिन, ओनिडाजोल, टर्बिनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोबिटासोल प्रोपिनेट, मेथिल पैराबेन, अप्रोपिल पैराबेन क्रीम बेस है दोस्तों। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इसको इस्तेमाल बाहरी त्वचा के लिए किया जाता है और फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब भी फ्रेंड्स आप इस्तेमाल करें तो इस कैप को सही तरीके से आप बंद करके रख दें ताकि आपका ट्यूब खराब ना हो और वो कंटिन्यू आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि टू ट्रीट मिक्स डर्माटाइटिस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे चेहरे पे या हमारे पैर पे या हमारे हाथ पे या इस हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर कोई घाव हो गया हो, इचिंग हो, एक्जिमा हो, किसी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम हो, उस पीरियड में लोवाडर्म ओसी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है आपके स्किन के ऊपर। मैं बताना चाहता हूँ, जब भी कोई दवा इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट बेहतर होता है, नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट और बेहतर हो सकता है दोस्तों। आप भी डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर यूज करते हैं तो काफ़ी इसका फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी आता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, जो स्किन इन्फेक्शन जब होता है या एलर्जी होती है या किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर उस समय उसको देख के ही आपको ट्रीट करता है और उसका काफ़ी फायदा भी आपको मिलता है दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी दवा आप इस्तेमाल करते हैं उस पीरियड में अगर कहीं भी आपके स्किन के ऊपर अगर एलर्जी टाइप के हो या रेडनेस हो या ड्राइनेस हो या इचिंग हो या किसी प्रकार के कोई भी आपके स्किन को रिएक्ट करता हो तो उस पीरियड में उसको उस ट्यूब को बंद करके पानी सुसुम पानी से धो के तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और जैसे आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। लाइक करें, शेयर करें और आगे जानने के लिए एडमिन इन्फो हब को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।